बना रखा है, पूरी पेंट वेंट बन के चल रही है। ये देखो पिकअप बना दिया है, गजब चीज बना रखी है। ओमनी रखो साइड में, इसको रखो साइड में, इसको भी रख दो साइड में, इसको खोलो भाई साहब, चीज तो इसमें है। एक सेकेंड गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग ओपन किया, एक्चुअली शाम को शूट कर रहे हैं क्योंकि दिन भर आज के मैं जिम भी नहीं जा रहा, आज के मेरी थकान सी है पूरी बॉडी में, तो रेस्ट कर रहा था। तो बाकी आज मैं आपको एक ऐसा कंटेंट दिखाऊंगा, आप ये मान लो ओनली वन इन इंडिया है वो चीज़, मतलब ये मान चलो ओनली वन इन इंडिया ऐसा कंटेंट है गाइस। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं, छोटे भाई को लेकर आना है, वो स्कूल जाना है, वैसे वो शाम को खेलने जाता है ना, तो उसको लेकर आएंगे, फिर मैं आपको रास्ते में वो चीज़ दिखाऊंगा। मैंने अंकल से बात की, मतलब हमारे तो जानकार है ना, तो उन्होंने कहा कि ब्लॉग बना इसका अच्छे से, वो तो कह रहे हैं मेरी शॉप को भी बना। बाकी आज तो उसको कवर करेंगे पूरा, फिर शाम का इस चलते हैं फिर चेंज करके, ठीक है। कल मैं वो माइक भी ले आया था, तो मैं आपको उसकी क्लिप दिखाना भूल गया, मतलब मैं ब्लॉग में लगाना भूल गया, तो मैं आज के ब्लॉग में इस इंट्रो के बाद सीधा वो क्लिप देखना माइक की, फिर उसके बाद पूरा ब्लॉग स्टार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं माइक दिखाना भूल गया था आप लोग को, तो मैं माइक भी ले आया था, ये रहा अपने बोया कंपनी का माइक है, वही जो हेलमेट वाला, इसकी अनबॉक्सिंग मैं ही करता हूँ। अपने जिम के नीचे वाले भैया से, उनसे मंगवाया था मैंने, तो गाइज ये भी मेरे को ऑलमोस्ट वित्ते का ही पड़ा, 350 रुपये का भी आया मेरा ये। इसका ओरिजिनल जो आता है गाइज वो आता है 1000+, भैया ने बोला कि सेम वही रहती है, बस ब्रांडिंग का वारंटी मिलती है उसके अंदर। ये है ये रहा गाइज, इसमें अपना कवर कवर वगैरह सब आया, ये देखो गाइज। और ये इसमें क्या आया भाई, मेडिसिन, अच्छा वो समझ गए। बाकी इसका मेन्यू है गाइस सच में, हाँ। तो गाइस ये मेन्यू हो गया, इसको रखो साइड में, इसको रखो साइड में, इसको भी रख दो साइड में, इसको खोलो भाई साहब, चीज़ तो इसमें। एक सेकेंड गाइस, गाइस ये रहा अपना माइक, देखो ये माइक है पूरा अपना, इसमें साथ ये साथ में ये रहा इसका बटन वगैरह गाइस, बीच का कंसोल, और इसको ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ ऑन, साथ में अगर अपने को इस माइक को अपन यू नो वो डेक वगैरह हो जाता है म्यूजिक सिस्टम में भी अपन अटैच कर सकते हैं, तो उसका अलग से पिन आया है ये रहा। बाकी गाइस इसका अब मैं कल, मतलब आज जब जिम जाऊँगा ना, जब इसकी आप बताना उसमें क्लैरिटी कैसी आती है, मेरे को तो देखो गाइस अच्छी लगी। तो ये अपने हेलमेट में एक क्लिप आई है, अपनी टी शर्ट में भी लगा सकते हैं। मैं वायर्ड वाला मंगाया है गाइस, मैंने वायर्ड वाला इसलिए मंगाया क्योंकि ये बढ़िया है, अगर वायरलेस मंगाता तो मैं क्या ईयरपॉड्स भी लगा के घूमता हूँ कान में, तो मतलब फॉरन इमरजेंसी कॉल वॉल आता है ना, तो मैं उससे इसलिए मैंने ये वायर्ड वाला मंगा लिया। ये भी बढ़िया है गाइस, ये अपने टी शर्ट पर भी अटैच हो जाता है, और इसका क्लिप वगैरह कैसा लगा माइक, बढ़िया है ना ना। तो इसमें तो सेल है, मैं तो वो समझ रहा था कि भाई ऐसे भी एक आता है ना जिससे रिफ्रेश रहे पूरा, ये तो सेल निकला, तो इसके साथ इसकी एक्स्ट्रा बैटरी आई है इसके लिए, चलो ये भी बढ़िया है गाइस। अभी चल कर आते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं चौराहे पे, जूस वूस पी कर आएंगे गन्ने वगैरह का, और शाम को वो खेलने आता है ना स्पोर्ट्स, तो उसको भी लेकर आना है, चलते हैं गाइस सीधा। यार थोड़ा खींचू यार इसको, इतना टाइम हो गया, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती गाइस, देखो ये अब सामने क्या, फिर ब्रेक लगाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा रोकना पड़ रहा है। वोट्स पहन आ रहे हैं सारे के सारे, सारे पीटी है गाइस जी इसके अंदर एसएलटी में, और ये देखो बोलेरो में चौड़े टायर, क्या बात है, लोगों में क्रेज तो खूब रहता है बोलेरो इनका भी, बट हमसे कोई बढ़ के है क्या गाइस। ये सामने सीधा उसका स्कूल आ ही गया, खेल रहे होंगे सर, अब इसको ढूंढो, और ये हमारा भाग मिल्का भाग आ रहा, चल भाई। तो देखो गाइस ये मेरे को ये सीन बहुत प्यारा लगता है, एक तो इनके ये है ना, ये बोले बाबा पे सीधा पानी आ रहा। गाइस ये अपने स्कूल की स्टोरी सुना रहा है, पता क्या, जोर से बोल थोड़ा, प्रिंसिपल सर की लड़ाई हो गई, अरे यार ये ले चलते हैं एक बार हाथों की, भाई स्लीव्स ले लेता हूँ यार, हाथ काले हो जाते हैं, एक्टिवा से जाता हूँ ना, कलर तो ब्लैक ही है ना, हाँ ब्लैक में आता है, ब्लैक ही ब्लैक ही आती है, तो
दोनों सेम दूं ना मतलब? हाँ सेम ही दे दो। ये बढ़िया वाली है, वो वाली तो 40 की जो लग रही है ना। हाँ 50 की अच्छी। हाँ तो 50 बढ़िया वाली दो। ले लिया गाइस, ले लिए लो। और कुछ भी? नहीं नहीं बस, फिर लेंगे कभी गाइस। मैं मेरे वो हाई बड़े हाई नेक टाइप मास्क यहीं से लेके जाता था, बढ़िया देते हैं मतलब, एक चौराहे पे तो यही सोर्स है। चलते यार, गन्ने का जूस वाला दिख रहा है क्या तेरे को? गन्ने का जूस वाला गाइस, अब उसकी तो मशीन ही खराब हो रखी होगी। गन्ने का जूस पिए बिना नहीं जाएंगे। नहीं राजा पाक नहीं होगा ना इधर। कहाँ गया यार? गन्ने का जूस ढूंढते हैं गाइस। पहले मिला ही नहीं यार कहीं चौराहे पे, तो अभी अपन आ गए सीधा, ये जूस बन रहा है अपना। तो पपीता शेक घर पे पैक करवा लिया और अब यहाँ पी रहे यार। मिला ही नहीं, बोलो चौराहे पे है या इस एरिया में। अब यहाँ पे तो क्या उम्मीद रखे, पर गन्ने जैसी चीज़ तो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं है। चलो कोई ना। ओमनी को क्या बना रखा है? पूरी पेंट वेंट बन के चल रही है। ये देखो पिकअप बना दिया है, गजब चीज़ बना रखी है ओमनी। बहुत पुरानी ओमनी है भाई साहब आपने। और ये पूरा ओमनी का अंदर से पूरा पिकअप, ऐसी चीज़ देखी क्या गाइस? गाइस इसका ब्लॉग बनाने का एक फ़ायदा हुआ, ये अंकल देखने लग गए। पहले तो मैं कर क्या रहा हूँ, फिर दूसरे ने बताया कि भाई ब्लॉग ब्लॉग बनाता है छोरा, तो 2 सब्सक्राइबर प्लस हो गए अपने। अंकल बोले यार हमको भी देखना है हमारी इसका गैरेज का। मैं कहा चलो करो सब्सक्राइब। तो सीधा एक सेकंड लाइट तो ऑन करूँ। इसका ऑटो लाइट का गाइस वो फ्यूज़ उड़ा हुआ है, वरना रात को ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है, ऑटोमेटिक वाइपर। पूरी गाड़ी का अच्छे से रिव्यू करूँगा पर टाइम पे, एक बार इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी करे, मतलब एक बार वॉशिंग करवा लाऊँ गाड़ी की, फिर अच्छे से रिव्यू करेंगे पूरी कार के। पूरे इतने फीचर है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह, ये भी हीटेड है, साइड मिरर्स, जो गाड़ी की डिस्क होती है वो भी हीटेड है, सॉरी वो वेंटिलेटेड है ठंडी करने की। तो गाइस बहुत सी चीज़ें इस कार में जो आपको अच्छे से रिव्यू करेंगे। चलते हैं, रात का टाइम हो गया, घर करते हैं अपने घर का। अब ये सामने विलेज पड़ गया, अब ये जंगल में लाइन घुस रही है, तो अपने जंगल में सेपरेट फार्म्स बने हुए हैं। ये फार्म्स का एरिया आ गया, ये विलेज एरिया में नहीं आता, विलेज विलेज ये पड़ गया गाइस। तो ये डिफरेंस है विलेज में और हमारे घर में। अब यहाँ प्रॉपर ये जंगल साइड में पड़ गया, देखो जंगल ही जंगल चल रहा है ना पूरा प्रॉपर में। ये पूरी अपनी पापा की काटी हुई कॉलोनी है। आगे चलते हैं गाइस, पहले की जंगल का गड्ढे बाउंड्रीज खींचेगी ना। अब ये देखो ये एरिया, अब स्कॉर्पियो तो कुदाते ले जाता हूँ, इसको कुदाने के लिए पोर्च की तरह एलविश यादव की, गाइस एलविश यादव की पोर्च की तरह निकालो ऐसी रोड पे इसको, ये बच जाती है। ये आराम से पूरा स्टेयरिंग, और आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ कि मतलब ऐसे तो कहीं तो जानते होंगे, जैसे अभी खदा खराब रोड आ गई ना, तो यहाँ पे भी गाड़ी बच जाती है। तो स्टेयरिंग हमेशा ऐसे यूँ करते रहो, जिससे क्या टायर का मूवमेंट यूँ रहता है, गाड़ी बचेगी नहीं, हमारी बच जाती है अगर हम स्टेयरिंग सीधा करके निकालते हैं ना थोड़ा। अब जैसे थोड़ी सही रोड आई, अब एकदम से वापस से खटाल आएगी, तो एकदम थोड़े गैप आए ना तो उसमें कर लो, जैसे वहाँ आगे आएगी। देखो मैं अब आगे का दिखाता हूँ आपको, पहले देखो वो रही वो रोड। एक तो शीशा साफ नहीं होगा क्योंकि अभी गए ऑफिस से हैं, तो वहाँ पे बंदर ही बंदर है पहले, पर फिर भी छड़ाते वक्त थोड़ा धीरे लो, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करो स्टेयरिंग। ये देखो आराम से निकलेगी, वो तो पत्थर उछलने की आवाज़ आई, और यहाँ पे थोड़ा गैप है ना, तो यूँ जाऊँगा तो बच जाएगी गाड़ी।